Bole! Bole! सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग भाई। और आज अपन आए भाई ड्रीम प्लेस वो केदारनाथ। तो गाइस यहाँ पूरा मैं तुमको एक्सप्लोर करवाऊंगा। तो भाई सबसे पहले हमने रूम लिया था यहाँ गोरीकुंड में, वो दिखा देता हूँ आपको भाई। एक नंबर रूम था पर बहुत ठंडी है। ये देखो हमने लिया था भाई 2500 में रूम गोरीकुंड में। अभी भाई इसमें पूरा बैग सब पैक करके अभी जाएंगे हम लॉकर के पास, तो पूरा सामान रखेंगे ऊपर। अभी पहुंच के तुमको दिखाता हूँ लॉकर भी कैसा रहता है। और गाइस उससे पहले भाई रूम का बाहर सीन देखो कैसी बात ये दिख रही है। ये देखो भाई पूरा पहाड़ों से घिरा, पूरा इतनी ठंडी है ना ना भी नहीं सकते भाई। अभी सुबह के भाई 5:55 हुए हैं और भाई यहाँ से तो लोगों ने चालू कर दिया जाना। कई घोड़े पे जा रहा है, कई पैदल जा रहा है और हम भी चलते हैं भाई यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं हर हर महादेव बोलते हुए। यहाँ पे लॉकर मिल गया है भाई, 50 रुपये पर बैग ले रहा है। यहाँ पे रख सकते हैं लोग, ये लीजिए चलो भाई। हमारे पास तो है 4-5 बैग। और गाइस यहाँ से हम ये वाला बैग जो है वो ऊपर ले जा रहे हैं, बाकी ये तीनों बैग उसमें रखेंगे भाई क्लॉक रूम में, सामने क्लॉक रूम में भाई रख रहा है। और यहाँ से यात्रा शुरू होगी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:02 और यहाँ से भाई हम यात्रा चालू कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। और गाइस आगे बहुत तगड़े तगड़े सीन आने वाले हैं भाई। ये देखो नीचे सीताकुंड, यहाँ पर भाई सामने कुछ नदी दिख रही है, उसमें ठंडा पानी आता है और भाई इसमें पूरा गर्म नेचुरल गर्म आता है भाई। बंदे लोग नहा रहे हैं और यहाँ से भाई देखो फुल बालों वाला डोगी, दुकान ही दुकान। ये तीन टांग वाला आदमी भाई संभल के चलना भाई यहाँ से। खच्चर भाई ऐसे बगल में चले जाते ठोकर मारते हुए, कोने में मर जाओगे तुम। पीछे आगे सब जगह खच्चर और नीचे खच्चर की पट्टी भाई इतनी ठंडी जगह पे आके ना सर्दी हो गई। बैक कैमरा स्टार्ट कर दे, अभी चाय देखते हैं। और सामने बहुत पब्लिक दिख रही है, देखो भाई कितनी भीड़ है। भाई सामने ना झरना है, ऐसे झरने आपको जंगल जगह पे मिल जाएंगे, उसमें से आप पानी पी सकते हो भाई। भाई यहाँ पे मंदाकिनी नदी, ये देखो फुल झरने छोटे छोटे और यहाँ पे बड़े झरने। बहुत ठंडा पानी है भाई इसका मंदाकिनी। भाई इतनी भीड़ है ना, ये स्टार्टिंग में दिख रही होगी आपको, आगे से भाई पूरी कम हो जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट से। अभी सुबह सुबह है भाई, तो भाई अभी धीरे से सूरज निकल रहा है और जैसे ही निकलेगा भाई पहाड़ पे अलग ही सीन दिखेगा भाई। यहाँ हम आ चुके स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ से भाई केदारनाथ की जर्नी चालू होती है। तो भाई 16 किलोमीटर है केदारनाथ और भाई सीन देखो यहाँ से 16 किलोमीटर लगेगा पूरा। यहाँ से भाई थोड़ी सी भीड़ कम देखने को मिली है, देखो थोड़ी सी भीड़ कम मिल रही है। खच्चर लोग अपने आगे चले गए, बाकी तो पैदल लोग अब साइड साइड चल रहे हैं। पानी भरने के लिए एक से एक वाटरफॉल और प्यास लगी है तो यहीं से पानी भर लो। और ऊपर भाई सीन धूप आने के बाद सामने हमारे दिख रहा है आपको, वो दिखाता हूँ। ये देखो भाई धूप पड़ने लगी है सामने का पहाड़ पे और खिसलन तो भाई इधर इतनी है। चाय पीते हैं
फिर दिखाता हूँ हिमालय का सीन आपको। भाई सामने देखो हिमालय देख रहा है और भाई भीड़ ना के बराबर हो गई। भाई पैदल वाले थक गए और हम आ चुके बीच में, चल रहा है यहाँ से ऊपर जाना है। देखो यहाँ पे प्लानिंग चल रही है वहाँ से केबल डाल के वहाँ पे चले जाए, पर भाई केबल नहीं मिल रही और थक चुके हैं लोग। भाई और ऊपर से लगातार हेलीकॉप्टर जा रहे हैं डिंग डिंग करते हुए और आ भी रहे हैं। इसके पैरों में स्टील मिल रहा था कि चढ़ के डायरेक्ट दर्शन करके उतर जाएंगे। और अभी तो बोल रहा था हेलीकॉप्टर की टांग पकड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा मैं। और सामने देखो भाई हिमालय, हिमालय हेलीकॉप्टर फाड़ फूड़ हो रहा है। हाँ चाचा गधा लेके आ रही है, गधा नहीं है तो घोड़ा। अच्छा नहीं गधा घोड़ा लेके आ रही है। तो भाई यहाँ पे बैग रखने में लड़ाई हो रही है, बोल रही तू रखेगा तू रखेगा, इसलिए इससे यह शिक्षा मिलती है कि बैग लेके मत आना ज़्यादा, हम तो एक ही लेके आए। गाइस यहाँ पे 12 किलोमीटर और केदारनाथ बचा है और हम भाई अभी थक रहे थे तो थोड़ा खाना वाला खा रहा है और भाई फिर इसके बाद चलते हैं। सुबह से खाना नहीं खाया था, फिर इसके बाद चलते हैं भाई यात्रा शुरू करते हैं। भाई थक तो आया थोड़ा सा पर भाई सीन देख देख के थकान पूरी मिट जा रही है। हाँ भाई सामने का जो सीन है ना भाई, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या ही हिमालय दिख रहा सामने और ट्रैक भी पूरा खाली हो गया, अब तो कम भीड़ है। तो भाई अब वहाँ से आ रहे थे पीछे से, देखो क्या ही सीन दिख रहा है पीछे का भाई। और भाई से नीचे से दो रास्ते डायवर्ट हो जाते हैं, एक जो रास्ता जाता है वो ऐसे जाता है उस तरफ और ये हमारा यहाँ पे, और खच्चर उस पर जाते हैं पूरे। यहाँ पे कोई भी खच्चर नहीं है तो डिस्टर्बेंस नहीं है, नहीं तो खच्चर साइड में रेंगते हैं भाई और बहुत रेंगने में डिस्टर्ब करते हैं। अभी चलते हैं और आगे का सीन देखते हैं। तो भाई अपन आ चुके हैं भोवाली ब्रिज पे जहाँ पे 2013 में भाई बाढ़ आई थी और वो ब्रिज था। अभी दिखाता हूँ तुमको भाई, दोनों ब्रिज है, पुराना ब्रिज भी और भाई नया ब्रिज भी है। देखो भाई ये दोनों भाई यहाँ पे बहुत फिसलन है और वो भाई दोनों ब्रिज भाई ये नया बना है और ये भाई पुराना वाला, पुराना वाला तो अभी कमज़ोर दिख दिया भाई मेरे को, नए से ही जाऊँगा भाई। थोड़ी दूर है महादेव और ब्रिज चल रहा है भाई, डिस्को डांस कर रहा है। ये देखो भाई ब्रिज चल रहा है भाई, बहुत खतरनाक लग रहा है सीन। ऊपर हिमालय पीछे भाई धूप ही धूप। तो भाई उस ब्रिज के बाद हम भी खच्चरों की गैंग में शामिल हो चुके हैं और भाई अभी बहुत सारे खच्चर मिलेंगे यहाँ पे। और सामने भाई महाकाल मिलेंगे, तो चलते हैं जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट करें। चलो अभी हवा छूट गई है, हमारी सीधी चढ़ाई आ चुकी है वहाँ तो भाई, पर कोई नहीं चढ़ेंगे तो भाई इतनी तो शक्ति दी है महादेव ने। अभी तो 8 किलोमीटर और बचा है, खच्चर वाले परेशान कर रहे हैं, तो खच्चर तो रोड भी गंदी करता है, हेलीकॉप्टर करो ना तो फिर भी गंदा करता है बूढ़े। और भाई सामने जो धूप पड़ रही है ना पहाड़ पे, इस वाले पहाड़ पे तो नहीं पड़ रही है, सामने वाले पहाड़ पे बन रही है भाई, अलग ही लग रहा है सीन। चल भाई पर्वत देखो अलग ही लग रहा है सीन, और उसी को देख देख के हम जा रहे हैं, लग रहा है वहाँ पे ही महादेव रहेंगे, वही शक्ति मिल रही है। पहाड़ों का पानी पीते पीते जा रहे हैं, अभी
देखते हैं और आगे चलते हैं और आपको थोड़ा सिनेमैटिक सीन दिखाता हूँ फिर से। भाई अभी तो हमने ले लिया है शॉर्टकट। वो भाई ट्रैक ऐसा घुमाया गया है ना, थक जाओगे भाई। सच्चा शॉर्टकट है, शॉर्टकट पे जाओ। सांस की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। 8 किलोमीटर था टेम्पल तो भाई 2 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी 6 किलोमीटर वो बचा है और सांस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। और अभी भाई 6 किलोमीटर चलेंगे अच्छी ताकत से। चलो भाई छपरी, चलो चलो चलो, हर हर महादेव बोलते हुए चलो। अच्छी बात है यहाँ पे शॉर्ट कट है। मैं बहुत घुमाया भाई ट्रैक, और ट्रैक कहाँ से घूम के आया भाई, ये शॉर्ट कट डायरेक्ट वहीं पे पहुँचा रहा है, पूरा ट्रैक घूम कर आया। आने को भाई हम हाथी घोड़े क्या घोड़े हाथी पे भी आ सकते थे, और भाई हमें महादेव के सच्चे पुजारी पैदल जाएंगे, धूम मचाएंगे। अभी देखते रहो भाई, अभी तो थक गए, अभी 2 या 3 किलोमीटर और बचा था, देखते हैं जाते हैं और आगे। दिखाता हूँ आपको वहाँ का व्यू जब तक। भाई अब पीछे का व्यू देखो क्या ही लग रहा है। गाइस वहाँ से नीचे से चलते हुए आए हम, वहाँ से तो लास्ट में दिख रहा है भाई। और भाई यहाँ पे लास्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे महादेव मिल जाएंगे अपन को। गाइस थोड़ा सा और बचा है बस, ऊपर पहुँच के मैं बताता हूँ आपको। अरे मेन चीज़ तो दिखाने ही भूल गया भाई, महादेव का मंदिर। तो भाई वो है पीछे, अभी तुमको दिखाता हूँ भाई यहाँ से चढ़ाई कर। और भाई लो मेन चीज़ महादेव का मंदिर है सामने, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस वो अपने महादेव, और अभी तो भाई लाइन में लगे हैं और बादल भी बहुत तगड़े हो रहे हैं, लगता पानी गिरने वाला है। और 3 बजे भी यात्रा बंद हो जाएगी, तो अभी देखते हैं शाम को फिर से। अभी तो भाई लाइन में लगे हैं, आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है। बोले बोले भाई, अभी दर्शन भी कर लिए हमने, 2 मिनट बचे थे, घुस के दर्शन करके आए भाई। भाई शाम का टाइम तो बहुत ठंड हो जाती है भाई, आप देखो इसके अंदाजे से आप लगा ही रहोगे, पूरे बादल नीचे आ गए भाई। टेम्परेचर इतना कम है ना, सांस लेते नहीं बन रही। और आप देखते हैं, हम सामने रूम देख रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। केदारनाथ के पास तो रूम पूछा था भाई 12,000 से 8,000 ले बता रहा था। अभी तो हम पहले मैगी खा रहे हैं, फिर भाई जाएंगे आगे का रूम देखने। अभी बहुत ठंडी लग रही है, मैगी खाना पड़ेगा भाई। ऋषिकेश से जहाँ तक सबसे तगड़ी मैगी केदारनाथ में ही मिली, पता है भाई जिसका टेस्ट अलग ही लग ही रहा है मैगी जैसा। बाकी सबसे भाई लूटते हैं और टेस्ट भी नहीं देते। तो भाई अभी आरती होने वाली है, बच्चों के साथ भाई आरती बजने, आरती होने 5 मिनट बचे हैं भाई। इतनी ठंडी है ना, देखो भाई एक जैकेट अंदर, भाई 2 बनियान भाई, बहुत ठंडी है भाई। अभी आरती चालू होने वाली है, दिखाता हूँ आपको। भाई सुबह सुबह हो रही है और अभी मैं उतर रहा हूँ भाई। रात में तो भाई सर्दी हो गई थी तो सांस नहीं लेते बन रहा था, इसलिए भाई सो गया था। और अभी भाई उतरना चालू करा है, तो अभी तो बहुत दूर है, उतरते हैं। तो गाइस थैंक यू, और जिन्होंने यहाँ तक व्लॉग देखा, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।